एक ऐसा चोर जो सिर्फ लड़कियों के अंडरवियर चुराता था, पर क्यों? और एक ऐसा आदमी जिसके तीन पैर थे, और एक ऐसा तोता जो दारू का शौकीन है। और क्या आप जानते हैं कि अभी तक कितने किलोग्राम सोना इस धरती से निकाला जा चुका है और कितना किलोग्राम सोना धरती के अंदर बचा है? और इस टीवी शो पर ये महिला अचानक क्यों निकालने लगी अपने कपड़े? आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20, फ्रांसिस्को लेंटिनी नाम के इस शख्स के पास जन्म से ही तीन पैर थे और उनके तीसरे पैर में एक छोटा सा पैर भी था। फ्रांसिस्को का जन्म वर्ष 1889 में इटली में हुआ। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनके पास दो फंक्शनिंग मेल जेनिटल्स थे। तीन पैर होने की वजह से फ्रांसिस्को जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ लोगों की भीड़ की वजह बन जाते थे, जिसके बाद पपेट शो चलाने वाले एक बंदे ने इन्हें साइड शो परफॉर्मर के तौर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाद में ये अमेरिका चले गए और वहाँ लगभग सभी बड़े सर्कस और साइड शो में उन्होंने काम किया। वर्ष 1966 में 77 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 19, मार्वल की फिल्मों में उनके सुपर हीरोज शहरों को जिस तरह से बर्बाद करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इन शहरों को फिर से ठीक कौन करता होगा? वेल, मार्वल यूनिवर्स के पास इसके लिए एक डैमेज कंट्रोल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। जब सुपर हीरोज शहर को नस्तनाबूद करके दुनिया को बचाकर वहां से चले जाते हैं तो तब डैमेज कंट्रोल टीम वहां आकर डैमेज्ड प्रॉपर्टी को रिपेयर करती है। लो जी, आज समझ में आया कि सुपर हीरोज इतने बिंदास होकर शहरों को कैसे बर्बाद करते हैं। नंबर 18, 25 अप्रैल 1998 को माइकल हिल नाम का ये शख्स अपने दोस्त के घर गया हुआ था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तब ये दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही एक अनजान गुंडे ने चाकू से माइकल के सिर पर हमला कर दिया और 8 इंच लंबा ये चाकू माइकल के स्कल को तोड़ते हुए उसके ब्रेन के अंदर घुस गया। हैरानी की बात ये रही कि इतना बड़ा चाकू ब्रेन के अंदर जाने के बावजूद माइकल की जान तो बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टरों के द्वारा माइकल के सिर से निकाला गया ये चाकू आज तक के मेडिकल इतिहास में किसी ब्रेन से निकाला गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17, दोस्तों आपने महंगी महंगी चीजों को चुराने वाले शातिर चोरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे चोर के बारे में सुना है जो कोई महंगी चीज नहीं बल्कि लड़कियों के अंडरवियर चुराता हो? जापान के रहने वाले 56 साल के तेत्सुओ युराता को पुलिस ने महिलाओं के अंडरवियर चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बंदे ने अलग अलग लॉन्ड्रोमैट से लगभग 750 अंडरवियर चुराए थे। नंबर 16, जैसे इंसान नशे में चूर होने के बाद लड़खड़ाने लगता है और अजीब तरह से चिल्लाने लगता है, ऐसी ही तोते की भी एक प्रजाति ऐसी है जो नशे में होने के बाद इंसानों की तरह ही बहक जाती है। इस प्रजाति का नाम रेनबो लोरिकीट है और ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रेनबो लोरिकीट जब फर्मेंटेड फ्लावर नेक्टर पी लेती है तो तब उन पर नशा छा जाता है, जिसके बाद ये उड़ते हुए दूसरे पक्षियों से टकराने लगते हैं। नशे में बैठे बैठे ये अपने घोंसले से भी गिर जाते हैं और साथ ही ये काफी तेज आवाज भी निकालने लगते हैं जो काफी परेशान करने वाली होती है। नंबर 15, ब्राजीलियन मॉडल क्रिस गालेरा को शादी करने का बड़ा शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जितने भी लड़कों को डेट किया हर कोई धोखेबाज निकला। 33 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें शादी के लिए कोई भी सूटेबल लड़का नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही शादी करने का फैसला कर लिया। जैसे एक कपल की शादी होती है उन्होंने अपने शादी का भी वैसा ही इंतजाम करवाया और दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर पूरे रस्म रिवाज के साथ उन्होंने अकेले शादी कर ली। वैसे मैडम एक बार शादी.com पर आकर भारतीय लड़कों को भी आजमा लेती, माँ कसम लड़कों की लाइन लग जाती। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14, गर्मियों के मौसम में किचन से आने वाली चींटियां हम सबको काफी परेशान करती है। सिर्फ ग्रीनलैंड को छोड़कर ये परेशानी सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर ही एक ऑटोनॉमस कंट्री है। बेहद ठंडे क्लाइमेट की वजह से यहाँ कोई भी चींटी सर्वाइव नहीं कर पाती। नंबर 13, टेक्सास के सैन एंटोनियो में मौजूद यायास थाई नाम का ये कैफे इन दिनों चर्चा में बना हुआ है और इसकी वजह है इस कैफे के वाईफाई का पासवर्ड। इस कैफे में आप अनलिमिटेड इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वाईफाई का पासवर्ड ढूंढना होगा और पासवर्ड ढूंढने के लिए आपको मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैथ का ये क्वेश्चन कैफे की दीवार पर टंगा हुआ है और इसके साथ लिखा गया है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही वाईफाई का पासवर्ड है। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि अब तक कैफे
जिंदगी में आने वाला कोई भी इंसान इसे सॉल्व नहीं कर सका। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 12, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान लेडी गागा यानी स्टेफनी जर्मेनोटा न्यूयॉर्क के बार में परफॉर्म किया करती थी। म्यूजिक के प्रति लेडी गागा के जुनून को देखते हुए उनके क्लासमेट्स उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि उनके कुछ क्लासमेट्स ने फेसबुक पर एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम स्टेफनी जर्मेनोटा यू विल नेवर बी फेमस था। उस समय फेसबुक सिर्फ एक साल पुराना था और उस ग्रुप में टोटल 12 मेंबर्स थे। कुछ समय के बाद म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए लेडी गागा ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आज लेडी गागा की सफलता देखकर उस फेसबुक ग्रुप के वे 12 लोग तो जल जल कर राख हो चुके होंगे। नंबर 11, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म एंड एग की जरूरत पड़ती है जिसके लिए दुनिया भर के सभी जीव मैटिंग करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्की एक ऐसा पक्षी है जो बिना मैटिंग के ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी उसके अंडे बिना स्पर्म के ही फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और उसमें बच्चे भी विकसित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। टर्की के अलावा कई और जीव भी मैटिंग के बिना ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक कितने किलोग्राम सोने की खोज की जा चुकी है, कितना सोना निकाला जा चुका है और अंडरग्राउंड रिजर्व्स में अभी कितना सोना मौजूद है? क्या कहा नहीं जानते, तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। अगर अब तक खोजे जा चुके सोने के कुल वजन की बात करें तो दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख किलोग्राम सोने की खोज की जा चुकी है। इसमें से 18 करोड़ 70 लाख किलोग्राम सोने को खुदाई करके निकाला जा चुका है और अब अंडरग्राउंड रिजर्व्स में मात्र 5 करोड़ 70 लाख किलोग्राम सोना ही बचा है। दुनिया में जितनी भी सोने की खुदाई की जाती है उसमें से 30% अकेला सोना साउथ अफ्रीका के विटवाटर सैंड गोल्ड माइन से निकाला गया है। नंबर 9, बिहार के रहने वाले ब्रिज किशोर सिंह ने अपनी पत्नी प्रभावती देवी के कहने पर शहर में नया घर खरीदने के लिए गांव की जमीन बेच दी। जमीन बेचकर मिले 39 लाख रुपए को उन्होंने अपनी पत्नी के अकाउंट में जमा करवा दिया। एंड देन अकाउंट में पैसा जमा होते ही ब्रिज किशोर की पत्नी उन्हें धोखा देकर सारे पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ब्रिज किशोर को जब इस बारे में पता चला कि उनकी पत्नी और उनके पैसे दोनों उनके हाथ से निकल गए तो तब वो अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हाँ, आपको बता दें कि इन दोनों की शादी 14 साल पहले हुई और दोनों के दो बच्चे भी थे, लेकिन फिर पत्नी भाग गई। घोर कलयुग है जनाब। नंबर 8, दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी के कान सिर के आसपास ही होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट यानी झिंगूर के कान उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके घुटनों में होते हैं। पक्के तौर पर कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ सका है कि आखिर क्यों इनके कान सिर के पास ना होकर घुटनों के नीचे होते हैं। नंबर 7, क्रिकेट में बैटिंग एंड बॉलिंग का फैसला करने के लिए टॉस होते हुए तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन क्या आपने किसी शादी में दुल्हन का फैसला करने के लिए टॉस होते हुए देखा है? ये अजीबोगरीब घटना कर्नाटक में हुई जहां एक लड़के का दो लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था। जब दोनों लड़कियों को इस बारे में पता चला तो तब दोनों ही लड़की लड़के के घर आ धमकी और फिर दोनों लड़कियां उस लड़के से शादी करने की जिद पर अड़ गई। मामला पंचायत तक पहुंच गया और फिर फैसला किया गया कि टॉस करके दुल्हन का फैसला किया जाए। सिक्का उछाला गया और जिस लड़के से उस लड़के का चक्कर पहले से चल रहा था वो लड़की टॉस जीत गई और लड़का उसे मिल गया। सच में गजब है यार। नंबर 6, केन्या में एक महिला ने सिर्फ इस वजह से अपने पति की हत्या कर दी क्योंकि उसके पति ने उसके द्वारा बनाए गए नाश्ते की बुराई की थी। असल में ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर ही नाश्ता कर रहे थे, तभी पति खाने की शिकायत करने लगा। इस बात पर पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि उसने डाइनिंग टेबल पर ही रखा चाकू उठाया और उसी चाकू से अपने पति का गला काट दिया। पति की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस पत्नी को गिरफ्तार करके ले गई। नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपने फार्ट यानी अपने पाद को काफी देर तक रोके रखा तो फिर पीछे से निकलने वाली गैस आपके मुंह से निकल सकती है। जब हम ज्यादा देर तक फार्ट को रोकते हैं तो फिर कुछ गैस वापस से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और फिर ये गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स में चली जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो तब ये गैस सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। अब आपको ये गैस किधर से निकालनी है, ये फैसला आपको करना है। नंबर 4, कभी कभी लाइव टीवी पर बड़ी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी ही एक घटना वेनेजुएला के एक फेमस टीवी शो ला नोटिसिया शो के दौरान हुई। असल में वर्ष 2015 के कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के दौरान एंकर यूवी पाला रेस वेनेजुएला वर्सेस कोलंबिया के बीच में होने वाले मुकाबले के दौरान रोनाल्डो के परफॉर्मेंस के बारे में बात करती हुई इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने लाइव शो के दौरान ही अपने कपड़े पूरी तरह से उतारने का फैसला कर लिया।
नंबर 3, हम इंडियंस कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि भैया एवरेज कितना देती है। लेकिन क्या आपने ट्रेन में ट्रेवल करते वक्त सोचा है कि एक डीजल लोकोमोटिव कितनी एवरेज देता है? चलिए आज हम आपको बता देते हैं, एक डीजल लोकोमोटिव स्टार्ट होने में ही 25 लीटर फ्यूल खर्च कर देता है, वहीं 1 किलोमीटर चलने के लिए ये 20 लीटर डीजल की खपत कर देता है। नंबर 2, अमेरिकन फिजिसिस्ट रिचर्ड फैनमैन को ओमनी मैगजीन ने दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन घोषित किया था। जब रिचर्ड की माँ लूसी को ये खबर मिली तो तब इस बात पर खुश होने के बजाय उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जैसे ही उन्हें ये खबर दी गई कि उनके बेटे को दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन घोषित किया गया है, तो तब उन्होंने कहा कि मेरा रिची, और वो भी दुनिया का स्मार्टेस्ट मैन, भगवान हमारी मदद करे। यानी जिस इंसान की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, वो इंसान भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह अपनी माँ की नजर में एक मासूम बच्चा ही था। सच में नमन है माँ की ममता को। नंबर 1, अगर स्कूल में बच्चों से साफ सफाई का काम कराया जाए तो फिर ज्यादातर विकसित देशों में इसे चाइल्ड अब्यूज माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। इनफेक्ट जापान में स्कूल के साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर ही होती है। क्लासरूम की साफ सफाई को स्टूडेंट्स की एजुकेशन का ही एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स क्लासरूम के टॉयलेट को भी क्लीन करते हैं। जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर बच्चे स्कूल में ही साफ सफाई सीखें तो फिर बड़े होकर वो एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।